बहुत बहुत दिल से मुबारक हूँ। सैफरिन के बारे में मैंने सुना बड़ा था, आज जब 3 साल इनके पूरे हुए हैं तो मैं पूरे परिवार को, मोहम्मद शामिन भाई को दिल से दुआ देता हूँ कि इतना एंटरटेनिंग वर्ल्ड क्रिएट किया है इन्होंने कोलकाता में, और ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स, बहुत सारे सैफरिन देश भर में भी खोलें, और इट शुड बिकम अ वर्ल्ड वाइड ब्रांड नाउ। हमेशा अच्छा लगता है सर, आप लोग सेवा इतनी करते हो, इतने कमाल के लोग होते हैं कोलकाता के, प्यार इतना देते हैं कि वापस जब भी बुलाते हैं वापस आना पड़ता है हम लोगों को। एक अच्छा देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप ऊपर वाला आपको इस लायक बनाएं कि आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकें, उनके चेहरों पर मुस्कान ला पाएँ, तो आपको हर रोज़ ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप इस लायक हैं कि आपसे किसी न किसी को उम्मीद है और आप उनके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो मैं हमेशा हर रोज़ दिल से धन्यवाद देता हूं हमेशा कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं लोगों की ज़िंदगी बदलने की कोशिश हर रोज़ करता हूं और करता रहूँगा। ऊपर वाला कराते हैं सर, हम तो जरिया है, बस हम कुछ नहीं करते, ऊपर वाला जरिया बनाता है और हम लोग जुड़ जाते हैं। मजहर भाई के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से स्टार लाते जाते हैं? मजहर भाई बड़े कमाल बंदे हैं, एकदम जब ही जितना प्यार देते हैं कि अपने आप ही लोग पहुंच जाते हैं, इनके कच्चे धागों में बंदे बंदे भग जाते हैं। सो बोलते हैं ना कि इंसान बढ़िया होना चाहिए, किरदार बढ़िया होना चाहिए, बाकी तो फिर परिवार तो अपने आप मजबूत हो जाता है। आगे के न्यूज़ में एक प्रोग्राम कराने जा रही है, क्या आप आएंगे मजहर भाई? अगर बोलेंगे तो बुला लेंगे सर, क्या टेंशन है मजहर भाई को, क्या टेंशन। अगले साल 2025 के लिए आपके जो फैंस हैं उनके लिए क्या कहेंगे सर? सर फतेह आ रही है मेरी फिल्म, जो मैंने लिखी भी है, प्रोड्यूस किया, एक्ट किया, डायरेक्ट भी किया, मेरी फर्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म है, 10 जनवरी को रिलीज हो रही है। बस यही कहूँगा कि हिंदुस्तान एक्शन का बहुत बड़ा दीवाना है, लेकिन जो आप इसका एक्शन देखेंगे वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सर नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, खुश रहें, हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक यू।